साइज 2.3 को, और आज हम इसे फिनिश करेंगे। क्वेश्चन ये है, 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसका हमें डिवाइड फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं, यहीं पर लिख कर लेते हैं कि ये लेट y इज इक्वल टू, सो 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अब dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नजर आ रहा है कि क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं। सो क्वेश्चन रूल में हम सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन है उसको हम नीचे लिख लेते हैं और उसका हम स्केल लेते हैं, और यही फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो डी बाय डी एक्स ऑफ अपर फंक्शन 2x माइनस 1 माइनस, सो 2x माइनस 1 एज इट इज़, सो डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब हम यहाँ पे इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सो यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x का डेरिवेटिव 2, सो माइनस 1 कॉन्स्टेंट वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो इस चीज़ को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और माइनस अब हम इस स्टेप में जा रहे हैं। सो 2x माइनस 1, भी यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को मैं अब थोड़ा डिडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो पावर रूल के लिए मैं सोचा लें डिफरेंट लिख देता हूँ। सो पावर रूल में पावर शुरू में आ रही है, सो 1/2 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1, पावर में से एक काम करेंगे तो वो -1/2 हो जाएगा, और अब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमें लेना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का। सो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। ठीक है, सो अब यही नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, एंड माइनस यहाँ पे ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स इंटू 2x माइनस 1, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, -1/2, तो वो नीचे जाके जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो अब हम उसी स्टेप में जो है जहाँ पे हमने फिनिश किया उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो स्टेप आ रहा है वो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1, और हमारे पास एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो नीचे वो चीज़ बच रही थी वो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, और अब हमारे पास ये 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद पावर ऐड हो जाती है, यानी 1/2 इसकी पावर, 1/2 इसकी पावर, ऐड होने के बाद पावर 1 हो जाएगी। सो इसको मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लिख दिया। सो माइनस यहाँ पे हम इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, और x मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके हम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2x स्क्वेयर एंड प्लस x, और डिवाइड्स में हम इसको सेम इसी तरह लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखें तो ये 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर से कैंसिल हो रहा है, और ऊपर आ रहा है 2 प्लस एक्स, तो सेम एज इट इज़ एक्स प्लस 2 हम लिख लेंगे इसको, एंड डिवाइड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब हम पावर्स को ऐड कर देंगे, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2, सो सिंप्लीफाई एज 1+1/2 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं एक्सरसाइज का, एंड दैट इज अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे,
और डेल्टा लेने के लिए यहीं पर ही मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। सो डी बाय वाई बाई डी एक्स जब हम डेल्टा अप्लाई करेंगे सो डी बाय डी एक्स एंड चले मैं इसको पावर में लिख लेता हूँ अंडर रूट को। सो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स की पावर वन बाय टू। सो पहले हम इस पर अप्लाई कर देते हैं पावर रूल। सो पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो पावर है वो पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक कम ले लेते हैं ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। सो माइनस वन बाय टू और आगे डी बाय डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। इसी स्टेप को हम इक्वेशन नंबर वन नाम देते हैं। क्यों, अब हम यहाँ पे जो है सिंपल आगे इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लेंगे और इसी स्टेप में पुट कर देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब नीचे जो है वो मैं इसको लेट कर रहा हूँ कि लेट आई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। तो अब इस चीज़ का मैं डेरिवेटिव लूँगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं क्वेश्चन नंबर वन की जगह पे पुट कर दूंगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास ये जो चीज़ है क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सो क्वेश्चन रूल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इज इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वेयर एंड ए प्लस एक्स इसी तरह डी बाय डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे ये टर्म इसी तरह आ जाएगी ए प्लस एक्स का स्क्वेयर और यहाँ पे हमारे पास ए प्लस एक्स और ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो हो गया और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस वन। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस ए माइनस एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो एक्स का वन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे वन से। अब नीचे स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस ए माइनस एक्स यहाँ पे अगेन माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू ए ओवर ए प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये आई का आया था जो हमने ऊपर लेट किया था, अब इसी को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर वन में और सिंप्लीफाई करेंगे। आई की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वो पावर रैकेट थी तो वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। सो वन बाई टू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स पावर वन बाई टू और जो आई की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो क्या थी माइनस टू ए ओवर ए प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये टू है ये इस टू से कैंसिल हो गया और अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सो अब देखें यहाँ पे जो है अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास कुछ यू फॉर्म बन जाएगी ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए ओवर ए प्लस एक्स का स्क्वेयर, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स की पावर वन बाय टू। ठीक है, अब मैं इस पावर को नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूँ एंड ए प्लस एक्स की पावर वो जब खुलेगा नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू एंड इसी तरह यहाँ पे ए प्लस एक्स की पावर हमारे पास क्या है टू है। सो अब माइनस ए माइनस करेंगे सो अब हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ए माइनस एक्स की पावर इसी तरह आ जाएगी वन बाई टू। सो अब यहाँ पे देखें बेस सेम है ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स, सो ए प्लस एक्स से पावर एड हो जाती है सो टू माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स की पावर वन बाय टू इंटू ए प्लस एक्स की पावर सो दैट इज थ्री बाय टू। ठीक है, सो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर
माइनस वन। अब इस क्वेश्चन में भी आपने जो है वो दो फार्मूलाज इसमें लग रहे हैं, ठीक है। एक फार्मूला जो आपने अप्लाई करना है वो करना है आपने क्वोशेंट रूल, एंड दूसरा साथ में आपने पावर रूल अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो बेसिक्स फार्मूलाज हैं जैसे कि अब मतलब कि प्रोडक्ट रूल हो गया, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो आपने मेनली इन दोनों को फोकस करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है वाई के, ठीक है। सो वाई की कुल आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन। सबसे पहले आप अप्लाई कर लें क्वोशेंट रूल, और जब वो अप्लाई कर देंगे तो देन आपने अप्लाई कर लेना है पावर रूल, और जस्ट सिंप्लीफिकेशन होगी और फिर आप इसका आंसर जो है वो आप निकाल लेंगे। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसको पहले समझे हम सिंप्लीफाई करते हैं और मैं आपको बताऊंगा इसकी सिंप्लीफिकेशन, और फिर आप इसको आगे डिफरेंशिएट खुद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ इसके डिनोमिनेटर के साथ, इस टर्म के साथ, ठीक है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखें, पहले आप इसको एज इट इज देख लें, ठीक है। 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। सो मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये लेट्स सपोज अगर टर्म ए है, ये बी है, सो ए माइनस बी एंड दैट इज ए प्लस बी। सो एक फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास टर्म्स कुछ यू बन जाएगी सिंप्लीफाई होने के बाद, 1 प्लस एक्स माइनस इंटू वन माइनस एक्स, ठीक है। और नीचे तो हम इन टर्म्स को सेम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एंड 1। सो अब हमारे पास ये सेम टर्म्स हैं, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी हमारे पास ये प्लस के साथ है, ठीक है। तो अब मतलब सेम टर्म है तो ये स्क्वायर बन गए। लेट्स सपोज अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए का स्क्वायर। सो अब हम इसको फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला पढ़ते हैं कि ए का स्क्वायर मतलब प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो ए का स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं, सो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन में कुछ हो रही है, यहाँ पे ये जो 1 है ये इस माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है, और ऊपर हमारे पास आ रहा है 2x, और नीचे हमारे पास 2 अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप देखें तो ये x और x कैंसिल हो रहे हैं, और 1 प्लस 1 2 आ रहा है, ठीक है। तो उस 2 को मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ इस 2 के साथ। सो हमारे पास अब जो टर्म आ रही है वो, सो अब हमारे पास ये x और x कैंसिल हो गया, सो 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। और अब ये 2 और ये 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इस और कॉमन लेने के बाद फिर हम इस 2 से कैंसिल भी कर देंगे। सो अब लेट्स सपोज अगर मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ, चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, तो हमारे पास 2x ओवर 2 हमने कॉमन ले लिया इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। सो अब हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो टर्म आ गई है वो आ गई है x ओवर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसी चीज़ का आप इसको लेट कर लेंगे y के, और फिर आप इसको इसका ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, और आगे आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। y का वैल्यू गिवन है और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x
इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दिया और इसका हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट लूँगा, ठीक है। सो पावर वो लग रहा है 1/2 एक्स की पावर -1/2 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और अब ये नीचे पावर इसकी 1/2 है, ऊपर जाएगी पावर हो जाएगी -1/2, सो -1/2 एक्स एंड अगेन पावर जब माइनस करेंगे तो -3/2। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म कुछ यूँ आ जाएगी 1/2 अंडर रूट एक्स और इसमें हम माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस है, सो नीचे आ गया हमारे पास क्या हो गया 3/2। और अब इसी को हम लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स प्लस 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे जो है इस 2x को यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इस 2x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/√x। अब इस चीज़ को जो है हम लिख सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखें, सो x ओवर अंडर रूट एक्स जो है, ठीक है, मैं ये एक आपको स्टेप समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे x जो है ये हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स और डिवाइड किससे हो रहा है अंडर रूट एक्स से, ठीक है। तो ये अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा। सो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x आ जाएगा, ठीक। और अब यहाँ ब्रेक लेते हैं इस क्वेश्चन में, आप देखते हैं हमने जो लेट किया था y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x, ठीक है। यहाँ पे ना हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 1/√x की, ठीक। सो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं और y को इधर ले जाते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√x इज इक्वल टू √x माइनस y। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने जो अपने क्वेश्चन में प्रूव करना है उसके लिए हमने इस चीज़ को लेट किया अपने गिवन क्वेश्चन से। अब हमारे पास जो ये स्टेप है, इस स्टेप में हम कैसे करेंगे इसको, आप इस तरह लिख लें 2x dy by dx is equal to, अब आपके पास यहाँ पे जो 1/√x आ रहा है इसकी आपने अभी वैल्यू फाइंड की है √x माइनस y, वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। सो √x प्लस √x माइनस वाई, सो √x प्लस √x 2 times √x हो गया और ये माइनस का y हो रहा है, सो इसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, सो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 2 times √x और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है y इज इक्वल टू दिस वन और हमने प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन। सो सबसे पहले हम y को ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स 4 और इसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। बल्कि डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसी टर्म को लिख सकते हैं ये भी y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 को मैं क्या ये ले सकता हूँ 1+1, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब हमारे पास जो ये टर्म्स आ गई हैं एक्स 4 प्लस 2x प्लस 1, अब इस टर्म को आप देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट को लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो अब इसी चीज़ पे हम ये चीज़ आ गई और y को हम ले जाते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और जो चीज़ हमने प्रूव करने के लिए जो हमने प्रूव करना है उसके लिए हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे तो हम स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा y माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास अब हम अगेन जो है वो y को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रहने दें और इस चीज़ की हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी
जो y था हमारे पास वो था y इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू। इसका डेरिवेटिव जो लेंगे सो डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स। तो अब यहाँ पे देखें तो हम इसी स्टेप में हम कॉमन ले लेते हैं, हम कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है फोर एक्स कॉमन आ रहा है, सो पीछे क्या रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब हमने एक्स स्क्वेयर प्लस वन की एक वैल्यू फाइंड की थी जो कि इक्वल थी अंडर रूट वाई माइनस वन के। अगर आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस वन, इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स और वो वैल्यू जो हमने निकाली है वो हम पुट कर देंगे वाई माइनस वन। तो यही चीज़ हमने प्रूव करी थी और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हुई। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन सब्सक्राइब इट।